देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। करीना दी, मुझे एक बहुत अजीब सा एहसास हो रहा है। कैसा एहसास? ऐसा लग रहा है कि मेरे किसी अपने के साथ कुछ 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 बहुत बुरा होने वाला है। वो थाली भी मेरे हाथ से स्लिप नहीं हुई थी। दरअसल मैं भगवान की तरफ आ रही थी और पता नहीं मुझे एक फीलिंग आई कि मेरे किसी अपने के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, इसलिए वो थाली मिस्टेक से मेरे हाथ से गिर गई और तब तक निधि आ गई और इतना कुछ बोल गई। यू नो भाभी, आपका एहसास बिल्कुल सही है, कुछ गलत होने वाला है, लेकिन आपके अपने के साथ नहीं, आपके दुश्मन के साथ। जो भी गलत हो ना, भगवान करे इस लड़की के साथ हो। करीना दी, मुझे फिर से महसूस हो रहा है कि कुछ गलत हो रहा है मेरे किसी अपने के साथ। भाभी कुछ नहीं होगा, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। हे कान्हा जी, अगर मेरे अपने के साथ कुछ गलत हो रहा है, ऐसा मत होने देना, सबकी रक्षा करना। राजवीर, उनको रोक लो। मत मत मासी, आगे आगे कोई कुछ कोई हेल्प करो, मेरी मासी बेहोश। फोन करें मासी। हटो राजवीर, क्या हो गया? देखो रोकने की कोशिश कर रही थी, सब चीजें तोड़ फोड़ रही थी, चिल्ला रही थी, तो हम लोगों को लगा कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बस इसीलिए हम चाहते थे कि वो यहां से चली जाए। एक मिनट, क्या कहा आपने? मेरी दी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। आपको लगता है वो पागल है? अरे लेकिन हरकतें तो उनकी वैसी थी, मतलब सुनी नहीं रही थी किसी की। मेरी बेटी की शादी रोकने की बात कर रही थी वो। अब उनको हल्का सा धक्का लग गया और गिर गई। अब हमने कुछ किया नहीं। कोई कोई मदद कर दो, मुझे मासी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। प्लीज
ए भाई हेल्प करने में क्या जाता है, मेरी मासी को कुछ हो गया तो। अरे कोई रोको, हेल्प, अरे कोई हेल्प कर दीजिए। स्टॉप स्टॉप प्लीज, रुको रुको, गाड़ी रुको भाई, जल्दी से ग्लोबल हॉस्पिटल ले चलो भाई, चल चल, बिठा दे बिठा दे, ग्लोबल हॉस्पिटल सबसे नजदीक है भैया, प्लीज ग्लोबल हॉस्पिटल ले जाना। चलिए भैया जल्दी चलिए। मासी मासी प्लीज आप आंखें खोलो ना, मासी मासी प्लीज आंखें खोलिए ना, माँ मासी। अरे जी प्लीज आंखें खोलो ना, क्यों हमें डरा रहे हो, प्लीज अपनी आंखें खोलो जी। भाई भाई आप प्लीज आप फास्ट गाड़ी चलाइए ना, मासी की कंडीशन ठीक नहीं है, आप जितनी फास्ट हो सकती है चलाइए प्लीज। अरे बोल रहा है फास्ट चलाना तो चलाइए ना फास्ट। मासी आप आंखें खोलिए मासी। इस पूरे हंगामे में राजवीर कितना शांत रहा, दिमाग से काम लिया, रीता दी को संभाला, इससे तो पता भी नहीं जिसकी ये इतनी परवाह कर रहा है वो इसकी मासी नहीं इसकी माँ है। तुझे पता है बेटा, इस बदलती हुई दुनिया में बच्चे अपने माँ बाप को पूछते तक नहीं है, पर ये देख के अच्छा लग रहा है कि तू अपनी माँ की कितनी फिक्र कर रहा है। क्या माँ की फिक्र करता है? माँ माँ क्या कह रहे हैं आप? मासी है मेरी प्रीता मासी, आप मेरी माँ हैं। आप मासी को माँ क्यों कह रहे हो? हाँ मेरा मतलब मासी ही था, वो तुझे मैंने हजार बार बोलते सुना है कि मासी भी माँ जैसी होती है, तो इसलिए मुंह से निकल गया। देख तू जैसे अपनी माँ की मतलब मेरी फिक्र करता है ना, वैसे इनका भी ख्याल रखा कर। और देख मैं तुझे आज ही बता रही हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो तू प्रॉमिस कर तू दी का ख्याल रखेगा। माँ आप कैसी बातें कर रहे हो, आप ऐसी सिचुएशन में ऐसी बातें मत करो प्लीज, आप कुछ मत बोलो प्लीज। भाई आप प्लीज फास्ट गाड़ी चलाइए ना, जितना फास्ट हो सकता है चलाइए प्लीज भाई। मैं हेल्प करती हूँ। चलिए करे 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 करण क्या कर रहा है सामने देखना कर करे क्या कर रहा है तू करण तू ठीक है प्रीता 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 ने आवाज दिया मुझे मुझे बाहर निकल I'm really sorry हमारी गलती है अरे गलती मेरी गाड़ी का बैंड बज गया है I'm really sorry हमारी गलती है it's fine आपका जो भी नुकसान हुआ है वो मैं भरूंगा एक सेकंड ना I'm really sorry मेरे को हमारा ऐसा आइडिया नहीं था ऐसा करने का ये मेरा कार्ड है आपका जो भी रिपेयरिंग का बिल आएगा इस एड्रेस पे मुझे वो बिल भेज दीजिएगा मैं पे करूंगा एंड I'm really sorry हमारी गलती है तो ठीक है तो गाड़ी से उतर इधर आके बैठ गाड़ी में चलूंगा हम घर वापस चल रहे घर नहीं ऋषभ हम घर नहीं जा रहे
वी हैव टू गो फॉर द डिनर मीटिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं तुझे ऐसे मीटिंग में लेके नहीं जाऊंगा. ऋषभ लिसन टू मी प्लीज, कम एंड सिट. यू लिसन टू मी, हम लोग घर जा रहे. सलील, सलील प्लीज क्लाइंट्स को रिक्वेस्ट कर देना कि आज मीटिंग कैंसिल कर रहे हैं हम लोग. मेरी तरफ से सॉरी बोल देना. चल तू उतर, गाड़ी में चलाऊंगा. कम ऑन ऋषभ यार, जैसा मैं बोल रहा हूँ तू वैसा करेगा. गाड़ी से बाहर निकल, वहां बैठ, गाड़ी में चलाऊंगा. चल कम ऑन ऋषभ. तू ठीक है, तू आ मेरे साथ. चल तू अब बिल्कुल रिलैक्स हो जा, कुछ नहीं होगा. हाँ चल बैठ. हुआ क्या था? चलिए चलिए डॉक्टर दी. अरे डॉक्टर, ये गिरे ने क्या हुआ है? डॉक्टर इनका ट्रीटमेंट कीजिए प्लीज, प्लीज इन्हें बचा लीजिए डॉक्टर. क्या हुआ इन्हें? दी टेक इट फास्ट. इन्हें इतनी गहरी चोट कैसे लगी? डॉक्टर वो मेरे दोस्त की पंडाल में शादी थी और वहां पर म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड था और... चुप हो जाओ! ओ गॉड! मत करिए ये शादी, आप लोग क्या कर रहे हैं? पकड़ उसे और फेंक दो मंडप से बाहर. शादी रोकिए. हाथ मत लगाना मेरी मासी को. ओके ओके ओके, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए. आपकी मम्मा को कुछ भी नहीं होगा. ओके ओके. आराम से. करण? कुछ नहीं, आराम से इधर बैठ, इधर बैठ. ऋषभ क्या हुआ इसे पुत्र? अरे नहीं मॉम कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ. सर दर्द हो रहा है ना? हाँ मॉम, रेगुलर पेन है. ऋषभ तेरे बताने की क्या जरूरत थी यार? मॉम है, उनको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? लेकिन फिर भी तू पानी पी. करण, करण आई ओके? हाँ निधि मैं ठीक हूँ, डोंट वरी. तू है ना छोटी छोटी बातों को लेके बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे. मॉम रिलैक्स ना, उसे ऑलरेडी सर दर्द हो रहा है, हम बात करके उसे और डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर आप ही की वजह से उसका सर दर्द पड़ेगा. डोंट डू दिस. वो मेरा बेटा है. ऑफ कोर्स मॉम मैं जानती हूँ, मैं काम मना कर रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ कि हम शांत रह सकते हैं प्लीज. गिरीश सर की दवाई लाओ जल्दी. अभी लाया मैम. I need to talk to you. बाहर आओ. ऋषभ पुत्र मैं ये बोल रही थी कि तेरे पापा के पेट में ना कल रात से बहुत दर्द हो रहा है, तो तू डॉक्टर आनंद को फोन करके पूछ ले कि कौन सी दवाई देनी है उन्हें, वो ज्यादा जरूरी है ना. डॉक्टर आनंद को फोन करके पूछ लेना. कौन? करण दवाई जस्ट आ रही है, आप भी आ रही है. करण Thank you.
मुझे बाम अच्छा नहीं लगता। बाम अच्छी नहीं लगती, बाम किसे अच्छी लगती है, लेकिन बाम लगाने से सरदर्द छुमंतर हो जाता है। लगाना तो मुझे नहीं लगाना। हम बाम नहीं लगाएंगे। सर तो दबा सकते। ठीक कहा था तुमने, गायब हो गया, ठीक हो गया सर दर्द। गिरीश जी लेके आ गया मैम। मॉम जरा हाजी, ऐसे क्या देख रहे हैं मॉम? क्विल्ट उड़ाने से सरदर्द थोड़ी खत्म हो जाएगा, दवाई देनी पड़ेगी ना उसके लिए। एंड एक्चुअली मॉम यू नो व्हाट, आप यू रिलैक्स, यू मूव असाइड, इफ इट्स पॉसिबल मॉम आप चले जाइए प्लीज, मैं देख लूंगी, आप जाइए ना प्लीज रूम से। निधि प्लीज कैन यू जस्ट शट अप, तुम्हें पता है ना मेरे सर में दर्द हो रहा है। कमाल करती हो यार। निधि मैं ये बोल रही थी कि करण को जब सर में दर्द होता है तो मैं उसे हल्दी वाला दूध पिलाती हूँ और वो दूध पीते ही इसका सर दर्द भी ठीक हो जाता है, तो मैं दूध ले आऊं? ये तो वो दवाई है ही नहीं। गिरीश ये कौन सी दवाई ले आए? इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हो, पता नहीं करण सर की दवाई कौन सी है? सॉरी मैम। अब देख क्या रहे हो, जाओ जल्दी जाकर लेकर आओ। निधि मैं ही जाकर लेकर आती हूँ। तुझे? हाँ रो क्यों रहा है? तुझे ऐसे पहले कभी रोता हुआ देखा नहीं है मैंने। तू ठीक है ना बच्चे? हाँ नहीं माँ, नहीं हूं मैं ठीक। मुझसे मासी की ऐसी हालत नहीं देखी जाती है। वो कितने दर्द में, देखो कितना खून बह रहा है उनका। वो मेरी माँ, मेरी मासी है वो। और आप तो जानती मैं कितना कितना प्यार करता हूँ, दिल के कितने करीब है वो मेरे। और वो बेहोश है, वो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मुझे उनका दर्द नजर आ रहा है। वो उन्हें कुछ भी होता है ना, मुझे यहाँ कुछ होता है। वो लोग कितने पत्थर दे ले, वो कैसे कर सकते हैं मासी के साथ ऐसे? हाँ माँ कैसे कर सकते हो बताओ आप? मैं ना उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं एक एक को देख लूंगा। माँ माँ मुझे मेरी माँ की कसम, एक बार माँ मासी ठीक हो जाए ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। मैं एक एक की तंगड़ी तोड़ दूंगा, उन्हें तोड़ दूंगा, उनके हाथ तोड़ दूंगा, मार दूंगा उन्हें। यही सिखाया हमने तुझे? गुंडा बनेगा तू, गुंडागर्दी करेगा? हाँ ये क्या होता है, सर फोड़ दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा, टांग तोड़ दूंगा, जेल जाएगा तू? हाँ हाँ जाऊंगा।
मुझे नहीं पता मां, मैं मासी को ऐसे दर्द में नहीं देख सकता हूँ। पता नहीं मासी के साथ जब भी कुछ होता है मैं अंदर से हिल जाता हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। हर बच्चे को ऐसा ही होता होगा ना माँ, हर बच्चे को ऐसे ही फील होता होगा अगर उसकी मासी के साथ कुछ भी ऐसा होता होगा। आपको भी होता होगा ना माँ? नहीं, मासी के लिए नहीं, लेकिन माँ के लिए होता है। तुझे भी इसलिए हो रहा है क्योंकि क्योंकि तू उनका खून है, उनका बेटा है, और वो तेरी मासी नहीं, तेरी माँ है। माँ, जवाब दो ना, माँ बताओ ना प्लीज। तू सही, तू सही कह रहा है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। आंटी, आंटी मासी ठीक है ना? ब्लड बहुत बह गया है, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, मैं अरेंज करवा के आती हूँ।